वही पेंशन वाला सवाल है जी सर। पेंशन तो मिल रही है, देखिए एक एक नहीं पूरे पाकिस्तान में, मेरी बात का बड़ा तो नहीं मनाएंगे, आपको कोई हक नहीं बनता। वजह मैं आपको बताऊं, आपने मेरे मुल्क को 1.2 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाया, आपने काम नहीं किया, मेरी बात को बुरा न मनाना। तो मैं आपसे मुराद ये है कि मैं शामिल हूँ, आपने चोरी की है इस रेलवे को जो अंग्रेज छोड़ के गया था, आपने तबाह करके रखा। हम फिर भी इमरान खान जो है अच्छे दिल वाला आदमी, लड़ रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला। ये पेंशन का कोई ऐसा मसला नहीं है, पहले बताया ना कि आपने पेंशन उन ममालिक की मिलती है जहाँ पर मजदूर मेहनत करके मुल्क को कमा के देता है। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस रेलवे ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला आपको पेंशन दिलाएंगे। और उनके लिए इसने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी जल्दी जो है फैसला करेगी। उस वक्त तक मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, उस वक्त कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये कि इसमें सब्र करें सर। इसमें बच्चियों की शादियां करनी है, मकान लेना, आप जरा आप फिर उसी को बात मैं कहता हूँ कि आपका बुनियादी हक नहीं बनता। ठीक है, हम चोर हैं तो हमारे को अरेस्ट कर लें, आप किसी और तरफ चले गए। ठीक है, सारी उम्र सर कोयले के इंजनों पे काम किया, ये भाई आपकी बात ही कहता, मैं तो अपनी बात। ठीक है सर, हम तो चोर नहीं है, हमने तो रेल को रवा दवा किया। सर जी ऐसा नहीं है, अगर आप रवा दवा करते तो मुनाफे में होती, मुनाफे में थी। आप मेरी बात को नहीं समझे, बहरहाल इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको मेहरबानी, आपको पेंशन में नहीं, मेरी कोई मेहरबानी, आपका हक है, हमने उस हक को 60 साल सर्विस की सर, हमने उसको हक को, बाबा जी न कहें 60 साल आपने सर्विस की, न कहें ऐसी बात। अगर 60 साल सर्विस जो है रेलवे वाले करते हैं तो ये इस वक्त इंडिया की रेलवे होती, ये इस वक्त दूसरे बड़े बड़े मुल्कों की रेलवे होती। रेलवे ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, आप क्यों नहीं समझते मेरी बात को? मैं आपको हकायक बता रहा हूं, लेकिन आपका वो सुनना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पेंशन के ऊपर इस वक्त एक कमेटी बना दी है, पिछले 6-7-8 महीने से काम कर रही है, ये एक महकमा नहीं और भी बहुत सारे महकमे हैं। हम इसको किस तरीके से जो है मतलब पेंशन दें, इंशाल्लाह ताला मिलेगी आप, और मुझे यकीन है कि महीना 2 महीने के अंदर इसका फैसला होगा।